हेलो एवरीवन, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग। मैटलैब ट्यूटोरियल सीरीज के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट्स। वीडियो को पूरा जरूर देखें और लाइक शेयर करना ना भूलें। स्टार्ट करते हैं मैटलैब वेरिएबल्स के साथ। मैटलैब में वेरिएबल्स एक रीजन ऑफ मेमोरी है जो कि एक एरे को कंटेन करते हैं। इन्हें एक यूजर स्पेसिफाइड नेम के थ्रू जाना जाता है। मैटलैब वेरिएबल्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं जब भी इन्हें इनिशियलाइज किया जाता है, जिसकी वजह से मैटलैब को एक वीकली टाइप लैंग्वेज भी कहा जाता है। इसी कंपैरिजन में सी, सी प्लस प्लस एक स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज कहलाती है, क्योंकि जब भी आपको वेरिएबल को डिक्लेयर करना है तो आप एक डेटा टाइप के साथ इसे डिक्लेयर करते हैं। इसके कंपैरिजन में मैटलैब में जब भी आपको वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा, आप डायरेक्टली वैल्यू इनिशियलाइज कीजिए और वैल्यू के बेसिस पर डेटा टाइप ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर दिया जाता है मैटलैब के द्वारा। मैटलैब में वेरिएबल्स एक एरे की फॉर्मेट में होते हैं जो कि दो टाइप के हो सकते हैं, वेक्टर या मैट्रिसेस। वेक्टर वन डायमेंशनल होंगे और मैट्रिसेस टू और मल्टी डायमेंशनल कहलाएंगी। मैटलैब वेरिएबल की लेंथ 63 कैरेक्टर्स तक हो सकती है जो कि एक लेटर से स्टार्ट होगी। उसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स हो सकता है, नंबर्स हो सकता है, या फिर अंडरस्कोर कैरेक्टर्स को आप यूज कर सकते हैं वेरिएबल के नाम में। वेरिएबल का नाम आप एक मीनिंगफुल रखिए जिससे कि आप इसे इजीली रीड कर सकें और मेंटेन कर सकें। मैटलैब वेरिएबल की कुछ इंस्ट्रक्शन कि कभी भी वेरिएबल का नाम ऐसा यूज मत कीजिए जो कि मैटलैब का फंक्शन या फिर कमांड का ऑलरेडी एग्जिस्ट करता हो। नेक्स्ट इज मैटलैब डेटा टाइप्स। फर्स्ट इज डबल, 64 बिट तक का हो सकता है, 10^-308 से लेकर के 10^308 तक की वैल्यू को असाइन किया जा सकता है, जिसके अंदर 15-16 सिग्निफिकेंट डेसिमल डिजिट्स पॉसिबल हैं। वेरिएबल इज इक्वल टू 10.5, ये रियल वैल्यू दे दी यहाँ पर। अगर आप इमेजिनरी वैल्यू देना चाहें तो सिंपली वेर इज इक्वल टू 10i या फिर वेर इज इक्वल टू -4j, इस तरीके से आप वैल्यू असाइन कर सकते हैं। रियल और इमेजिनरी दोनों वैल्यू देना चाहें तो वेर इज इक्वल टू रियल वैल्यू प्लस इमेजिनरी वैल्यू। नेक्स्ट डेटा टाइप इज करेक्टर, दैट कैन बी ऑफ 16 बिट। फॉर एग्जाम्पल वेर इज इक्वल टू विद इन सिंगल कोर्ट्स यू मे असाइन एनी करेक्टर वैल्यू। थर्ड इज लॉजिकल डेटा टाइप, दैट कैन टेक वैल्यू ट्रू और फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल वेरिएबल का नाम और उसके बाद ट्रू या फिर फॉल्स, ये एक बाइट का डेटा टाइप कहलाता है। आइए अब देखते हैं वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कैसे करते हैं। सबसे सिंपल और इजी वे है असाइनमेंट स्टेटमेंट्स के थ्रू, दैट कैन बी यूज फॉर स्मॉल एरेज। सिंटेक्स रहता है वेरिएबल का नाम और उसके बाद एक्सप्रेशन जो भी आपको असाइन करना है। आइए इसे मैटलैब में करके देखते हैं। हमने कहा वेरिएबल इज इक्वल टू 3.4 और एंटर प्रेस कर दिया, तो ये देखिए यहाँ पर वेरिएबल की वैल्यू 3.4000 इस तरीके से असाइन हो गया और वर्क स्पेस में इसकी जो भी वेरिएबल्स आपने बनाए हैं वो यहाँ पर उनकी वैल्यूज को दिखाता रहेगा। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर एक एरे बनाना चाहता हूँ, मैंने विद इन स्क्वेयर ब्रैकेट्स लिखा 1.0 (2.0) (3.0) स्क्वेयर ब्रैकेट्स और उसके बाद एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये देखिए यहाँ पर से वेरिएबल दूसरा असाइन हो गया 1, 2, 3। तो ये वैल्यू जो थी 3.4 इसी को ओवरराइड कर दिया इस वेर ने, दैट मीन्स अब इसके अंदर है 1, 2, 3 वैल्यू। आप इसे स्पेस दे करके भी लिख सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली लिखना चाहें जैसे इस तरीके से 1, 2, 3, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। दोनों की दोनों एक ही चीज है। बट एक और तरीका है, अगर आप मान लीजिए इस तरीके से लिख देते हैं 1, 2, 3 और उसके बाद स्क्वेयर ब्रैकेट्स और फिर एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए यहाँ पर पहले था रो फॉर्म में और अब हो गया कॉलम फॉर्मेट के अंदर। दैट मीन्स पहले था 1×3 मीन्स 1 row and 3 columns और अब बन गए 3 rows and 1 column, तो ये 3×1 के लिए बन गया है। सिमिलर वे अगर आप कुछ और भी असाइन करना चाहें तो वो भी आप करके देख सकते हैं। जैसे हमने कहा वेर 1 = 0 (1+7), तो ये एक एक्सप्रेशन हमने दे दिया तो डायरेक्टली ये कैलकुलेट करके देगा 0 और 8। ओके, सो इसी के आगे हम एक और देखते हैं, वेर 2 = हमने लिखा वेर 1 और ब्रैकेट के अंदर हमने दे दिया यहाँ पर 2 और उसके बाद मान लीजिए कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू 7 दे दिया जैसे, और फिर से हमने ऊपर जो वेर 1 असाइन किया था वो वैल्यू दे दी और हम यहाँ पर कर देते हैं एंटर। तो अब ये देखिए किस तरीके से आया, तो वेर 1 के अंदर था 0 और 8, अब वेर 1 ब्रैकेट में 2, दैट मीन्स सेकेंड कॉलम। इसको जरा ध्यान से देखिएगा, वेर 1 और ये 2 का मीन्स हो गया सेकेंड कॉलम, तो ये 8 वैल्यू यहाँ पर से आ गई जो सेकेंड कॉलम था। नेक्स्ट हमने 7 दिया तो ये 7 ऐसा कैसा आ गया।
उसके बाद वेर वन हमने फिर से दे दिया, और वेर वन के अंदर दो वैल्यूज थी 0 और 8, तो यहां पर से 0 और 8 दोनों असाइन हो गई। दैट मीन्स वेर टू के अंदर अब हमारे पास वैल्यूज हो गई 8, 7, 0, 8, तो ये वेर वन से डेराइव होकर के आ गई। सिमिलरली अगर आप टू डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं तो हमने लिख दिया वेर इज इक्वल टू और विद इन ब्रैकेट 1, 2, 3, फिर सेमीकोलन दिया, हमने लिखा 4, 5, 6 और स्क्वायर ब्रैकेट्स ऑफ सेमीकोलन, या फिर आप विदाउट सेमीकोलन यूज कर सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर एक 2x3 मैट्रिक्स बन गई जिसमें 1, 2, 3 पहली रो के अंदर है और 4, 5, 6 सेकेंड रो के अंदर है। ओके, इसी तरीके से अगर आप एक एम्प्टी मैट्रिक्स बनाना चाहें, एम्प्टी एरे बनाना चाहें, तो आप वो भी बना सकते हैं। इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कुछ मत लिखिए और सिंपली एंटर कर दीजिए। एम्प्टी एरे विद नो रो एंड नो कॉलम, जब भी आप मैटलैब में प्रोग्रामिंग यूज करते हैं तो कई बार यूज किया जाता है। ओके, तो अब नेक्स्ट हम चलते हैं इसी तरीके से। मान लीजिए हमने लिख दिया वेर और उसके बाद लिखा 2, 3 इज इक्वल टू 5। ये वेरिएबल हमने पहले एम्प्टी एरे का रखा था, अब उसके बाद हमने कहा सेकंड रो और थर्ड कॉलम के अंदर 5 वैल्यू चली जाए। अब यहाँ पर वेर तो एम्प्टी एरे था, इसके अंदर कोई वैल्यू असाइन नहीं थी, और उसके बाद हमने यहाँ पर सिंपली सेकंड रो और थर्ड कॉलम में 5 वैल्यू असाइन कर दी, तो बाकी सारे के सारे 0 हो जाएंगे और इसकी वैल्यू जो है 5 लास्ट में आ जाएगी। इसी तरीके से मान लीजिए अब हम करते हैं वेर इज इक्वल टू और हमने ब्रैकेट में लिख दिया 1 और 2 और एंटर प्रेस कर दिया, और उसके बाद हम लिखते हैं वेर और 4 इज इक्वल टू 4। तो अब ये देखिए क्या हुआ, हमने 1 और 2 ऑलरेडी दे रखा था और यहाँ पर फोर्थ नंबर के अंदर, फोर्थ कॉलम के अंदर 4 वैल्यू हमने असाइन करी है, तो 1 और 2 तो ऑलरेडी था ही, थर्ड के अंदर इनिशियलाइज 0 हो जाएगा और फोर्थ नंबर जो हमने ऊपर से असाइन किया है वो आ जाएगा। तो अब हमारे पास जो वेर की वैल्यू है वो यहाँ पर देखिए वर्कस्पेस के अंदर आपको दिखाई दे रही है, तो जो भी आप वेरिएबल्स बनाएंगे वो वर्कस्पेस के अंदर आते जाएंगे। ये सब चीजें हम देख चुके हैं सिंपली, इसी तरीके से ये एग्जांपल भी हमने अभी मैटलैब के अंदर करके देखे हैं। और नेक्स्ट हम देखते हैं इनिशियलाइजेशन यूजिंग बिल्ट इन फंक्शंस। तो जीरोस, वंस और आई, दैट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हम बिल्ट इन फंक्शन के थ्रू वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। मीन्स जीरो, अगर आपको एरे ऑफ जीरो जनरेट करना है तो आप सिंपली लिख सकते हैं वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू जीरोज, और फिर जितने की आपको मैट्रिक्स एरे जनरेट करना है वो आप यहाँ पर से कर सकते हैं। सिमिलरली अगर वंस के लिए जनरेट करना है तो इस स्ट्रक्चर में आप यहाँ पर से सिंपली लिखिए वंस और 4, दैट मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स के लिए आप जनरेट कर सकते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है तो आप लिखेंगे E इज इक्वल टू आई और उसके बाद 4, दैट इज 4x4, जिसमें डायगनल के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे 1 होंगे। देखते हैं एक बार मैटलैब में इसे भी करके। हमने यहाँ पर लिखते हैं वेर 3 इज इक्वल टू जीरोज, और इसके अंदर जितने भी आपको मैट्रिक्स जनरेट करनी है, मान लीजिए हमने कहा 2, 3 और फिर एंटर प्रेस कर दिया, देखिए 2 रोज एंड 3 कॉलम्स की एक मैट्रिक्स जनरेट हो गई है। सिमिलरली वेर 4 इज इक्वल टू, हमने कहा वंस और जितने आपको जनरेट करवाने हैं, 4 की जनरेट करवाने हैं, तो आपने 4 कर दिया, दैट मीन्स 4 रोज एंड 4 कॉलम्स के अंदर सभी के अंदर 1 ऑटोमेटिकली इनिशियलाइज हो गया। सिमिलर वे अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जनरेट करवानी है, हमने यहाँ पर लिखा वेर 5 इज इक्वल टू आई, जितने की आपको मैट्रिक्स जनरेट करवानी है वो आप लिख दीजिए, हमने लिख दिया मान लीजिए 6 और हमने यहाँ पर एंटर प्रेस कर दिया। ये देखिए यहाँ पर डायगनल के अंदर सबके अंदर आइडेंटिटी दैट इज 1 आ गया, तो दैट इज योर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कंटिन्यूइंग फर्दर टू वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, नेक्स्ट इज ऑपरेटर्स। फॉर एग्जाम्पल कोलन ऑपरेटर, दैट इज हेल्पफुल फॉर इनिशियलाइजिंग मैटलैब वेरिएबल्स। इसका सिंटेक्स है वेर वेरिएबल का नाम इज इक्वल टू फर्स्ट वैल्यू कोलन स्टेप साइज, मीन्स इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट आपको कितना देना है, कोलन लास्ट वैल्यू, मीन्स पहली वैल्यू से लेकर के लास्ट वैल्यू तक जाएगा और बीच बीच में कितने का स्टेप डिफरेंस रखना है वो यहाँ पर आप इसको असाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम 1x5 रो वैक्टर जनरेट करते हैं जिसके अंदर वेर इज इक्वल टू पहली वैल्यू तो रहेगी 1, लास्ट वैल्यू रहेगी 10 और बीच में 2, 2 का डिफरेंस, दैट मीन्स 1, 3, 5, 7, 9। ओके, तो इस तरीके से जनरेट हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि लास्ट वैल्यू भी आपके वेक्टर के अंदर आए, तो इसके लिए आपको सिंपली स्टेप का साइज देखना है कि कितना स्टेप का डिफरेंस है, उसी के अकॉर्डिंग आपका एरे जनरेट हो जाएगा। सिमिलरली 4 एलिमेंट कॉलम वेक्टर जनरेट करना है तो इसके लिए आप यूज कर सकते हैं ट्रांसपोज, ट्रांसपोज का है सिंगल कोट,
तो सिंपली यहाँ पर जो भी आपको वैल्यू असाइन करनी है वो लिखिए और उसके बाद सिंगल कोट कर दीजिए, तो ये वैल्यू इस तरीके से ट्रांसपोज होकर के आ जाएगी। या फिर एक और एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें 4x2 एरे जनरेट कर रहे हैं। मान लीजिए टेम्प के अंदर हमने दिया 1:4, दैट मीन्स 1 से लेकर के 4 तक की वैल्यू, 1 2 3 4। अब वैल्यू के अंदर क्या दिया, टेम्प सिंगल कोट, दैट मीन्स 1 2 3 4, और उसको हमने सिंपली कॉलम की फॉर्मेट में अरेंज कर दिया, स्पेस अगेन 1 2 3 4, तो इस तरीके से फिर से जनरेट हो गया। मैटलैब में करके देखते हैं इसको भी। तो यहाँ पर हम लिखते हैं वेयर इज इक्वल टू, और सबसे पहली वैल्यू कोलन, फिर उसके बाद स्टेप साइज कितना देना है वो आप लिख दीजिए यहाँ पर। मान लीजिए मैंने लिख दिया 10, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट और एंटर प्रेस कर दीजिए, तो ये 13579 आ गया। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ वेयर इज इक्वल टू और फिर दिया 1:5, और उसके बाद 100 तक की वैल्यूज को अगर मैं देना चाहूँ तो वो यहाँ पर भी असाइन कर सकता हूँ और एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर जितने भी कॉलम्स बनते हैं 1 उसके बाद 5 का डिफरेंस हर बार, और 5 5 के डिफरेंस पे अप टू 96। अगर 96 के बाद 5 प्लस करते हैं तो 101 आ जाती है। इसीलिए जो लास्ट वैल्यू जो 100 असाइन करी गई थी वहां तक अगर आपकी वैल्यू बन सकती है तो ये शो कर देगा, अदरवाइज 100 से लेस जितनी भी वैल्यूज बनती हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। सिमिलर वे अगर आप इसको डिक्रीज में देना चाहें तो आप लिखना सकते हैं वेयर इज इक्वल टू, और हमने दिया मान लीजिए 100, और फिर उसके बाद अगर आप डिक्रीमेंट करना चाहते हैं हमने कहा -5 और फिर से कोलन दिया और हमने कहा 1 और फिर एंटर प्रेस कर दीजिए। ये देखिए यहाँ पर 100 से स्टार्ट हुआ और हम कहाँ तक पहुँच रहे हैं, 1 तक, तो 100 में से 5 5 5 माइनस करता चला गया अप टू 5, क्योंकि 5 में से अगर 5 करते माइनस तो 0 हो जाता, और हमें लास्ट वैल्यू हमने क्या रखी है 1, तो ये वैल्यू यहाँ पर लास्ट 5 बन गई। तो इस तरीके से आप कोलन ऑपरेटर का यूज करके भी वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आप किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करना चाहें तो वो आप कर सकते हैं, सिंपली वेयर इज इक्वल टू लिखिए और उसके बाद जो भी आपकी वैल्यूज हैं, जैसे हमने दिया 1:4 और उसके बाद सिंगल कोट दे दीजिए, एंटर प्रेस कीजिए, देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से आ गया। तो ये क्या बन गई, 4 रोज और 1 कॉलम। तो आप किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर सकते हैं बाय सिंपली यूजिंग सिंगल कोट ऑपरेटर। नेक्स्ट टू द कोलन एंड ट्रांसपोज ऑपरेटर इज सेमी कोलन ऑपरेटर, जो कि स्टेटमेंट के एंड में यूज किया जाता है और ऑप्शनल कहलाता है। ये ऑटोमेटिक इकोइंग ऑफ वैल्यूज को सप्रेस करने के लिए यूज किया जाता है जब भी इसे असाइनमेंट स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। अगर सेमीकोलन एब्सेंट होगा तो वैल्यू जो भी आप वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं वो कमांड विंडो पर इको होगी, दैट मीन्स दोबारा से डिस्प्ले होगी। अगर ये प्रेजेंट होगा तो कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा। यूज ऑफ सेमीकोलन इन द एंड ऑफ स्टेटमेंट प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन को स्पीड अप कर देता है। आइए एक बार मैटलैब में इसे भी करके देखते हैं। तो जैसे हमने अभी यहाँ पर एक वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया था, हम इसको एक बार फिर से लिखते हैं। अब ये देखिए ये दोबारा इको होकर के वैल्यूज को प्रिंट कर रहा है। अगर हम इसके लास्ट में सेमीकोलन लगा दें तो ये देखिए यहाँ पर से इसकी वैल्यू इको नहीं हुई, दैट मीन्स सेमीकोलन का यूज किया हुआ कि वेरिएबल की वैल्यूज जो डिस्प्ले हो रही थी उनकी इकोइंग को बंद करने के लिए। नेक्स्ट टू द ऑपरेटर्स आर द सम प्री डिफाइंड वैल्यूज दैट आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल पाई, जिसके अंदर पाई की वैल्यू 15 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक कंटेन करता है। आई कोमा जे इमेजिनरी वैल्यूज को, जैसे कि आई स्क्वेयर रूट ऑफ -1 को कंटेन करता है। इसी तरीके से इन्फिनिटी, नोट ए नंबर, क्लोक, डेट, एप्साइलन और आंसर, देखते हैं मैटलैब में इसे कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पर आप सिंपली लिखिए पाई, देखिए पाई की वैल्यू दिखा दी 3.1416। इसी तरीके से आई कोमा जे लिखते हैं तो ये आई स्केयर रूट ऑफ -1 की वैल्यू दिखा देता है। यहाँ पर इन्फिनिटी देखना चाहे तो आई एन एफ एज इट इज रिप्रेजेंट करेगा, नोट ए नंबर, और इसी तरीके से क्लोक अगर आप देखना चाहें तो। अब ये देखिए यहाँ पर दिया 10^3, इसका मतलब है 10^3, दैट मीन्स 1000। अब यहाँ पर आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, दैट मीन्स बन गया 2021, मीन्स 2021। नेक्स्ट इज यहाँ पर इसको अगेन 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा 5, दैट मीन्स 5th मंथ। और उसके बाद फिर से आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर आ जाएगा 10th, दैट मीन्स 10th मई 2021। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर टाइम भी देख रहे हैं जैसे, तो ये आपको ये दिखा देगा। तो यहाँ पर ये देखिए इसको 1000 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आ गया 14, दैट मीन्स 2, और उसके बाद फिर से 1000 से मल्टीप्लाई तो आ गया 15, दैट मीन्स 2:15 PM, और उसके बाद सेकेंड्स। तो ये क्लॉक ने पूरी वैल्यू आपको यहाँ पर क्लॉक की दिखा दी। इसी तरीके से आप डेट देखना चाहें तो डेट दिखा दी 10th मई 2021, एप्साइलन की वैल्यू देखना चाहें या फिर आंसर, जो भी लास्ट वैल्यू आई है वो आपको यहाँ पर आंसर में दिखा देगा।
तो ये कुछ प्री डिफाइंड स्पेशल वैल्यूज हैं जिन्हें आप कॉन्स्टेंट्स भी कह सकते हैं, और इन्हें आप मैटलैब प्रोग्रामिंग में यूज कर सकते हैं बड़े इजीली। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लर्निंग मैटलैब वेरिएबल्स फ्रॉम दिस वीडियो। होपफुली दिस वीडियो अचीव्ड इट्स ऑब्जेक्टिव टू स्पेसिफाई मैटलैब वेरिएबल्स एंड कॉन्स्टेंट्स। कीप लर्निंग विद प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग आर यूट्यूब चैनल, एंड डू सब्सक्राइब इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब सो फार।